सरकार ने नियुक्त किए हैं सैकड़ों रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स, मतलब आरटीओ। आरटीओ के जरिए सरकार हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों के तमाम गैर कानूनी मामलों की निगरानी करती है। लेकिन हम बेनकाब करने जा रहे हैं ऐसे माफिया और दलालों को जिनका हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर हाईवे पर कब्जा है, जहां सरकारी कर्मचारी, अफसर और पुलिस की मिलीभगत से हाईवे के चेक पोस्ट पर चलता है करोड़ों का धंधा। ऐसे दबंग लोगों का धंधा जिनका अपना कायदा कानून है, धमकी और सजा है। आरटीओ चेक पोस्ट, ये तो सब जानते हैं कि देश के नेशनल हाईवेज पर सैकड़ों ऐसे चेक पोस्ट हैं जहां सरकारी अफसर और कर्मचारी ट्रकों के लाइसेंस से लेकर परमिट तक की छानबीन करते हैं। वो कानून तोड़ने वाले ट्रकों का चालान करते हैं। लेकिन क्या हकीकत यही है? हमें पता चला कि देश के कई नेशनल हाईवेज पर माफिया राज चल रहा है। ऐसे माफिया जो आरटीओ कर्मचारी, अफसर और पुलिस वालों की मिलीभगत से हाईवे चेक पोस्ट पर करोड़ों का काला कारोबार करते हैं। ऐसा कारोबार जो कागज के कूपन से चलता है। ये कोई मामूली कागज के टुकड़े नहीं, ये वो कूपन हैं जिनके नाम पर हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों से हर रोज लाखों रुपए की अवैध वसूली की जाती है। ऐसे एक कूपन की कीमत 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक होती है। इन कूपनों पर बाकायदा इन्हें छपवाने वाले माफिया का कोड भी छपा होता है। साथ ही होता है एक खास तरह का होलोग्राम, ताकि इन कूपनों की नकल कोई ट्रांसपोर्टर या दूसरा माफिया न कर सके। और फिर इन्हीं कूपनों के जरिए हाईवे माफिया चलाते हैं अपना करोड़ों का काला कारोबार। हाईवे पर ट्रक वाले इस कूपन को हजारों रुपए में खरीदते हैं। कूपन खरीदना ट्रक चलाने वाले ट्रांसपोर्टरों की मजबूरी है। अगर ये टोकन आपने नहीं लिया तो आप सबसे बड़े गुनहगार हो, भले आपके कागज पूरे हों चाहे कुछ भी हो। आपने टोकन ले लिया, आपका कोई कागज चेक नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं होना। आप टोकन दिखाओ, गाड़ी लेके बाहर जाओ। किसी भी 6 चक्के वाली गाड़ी को हर चेक पोस्ट पर अमूमन 500 रुपए और 10 चक्के वाली गाड़ी को 1000 रुपए के कूपन खरीदने पड़ते हैं। यानी जितनी बड़ी गाड़ी, चेक पोस्ट पार करने की कीमत उतनी ही ज्यादा। कई चेक नाकों पर ट्रक मालिकों से मनमानी रकम वसूली जाती है और करोड़ों की इस काली कमाई के लिए हाईवे माफिया का जाल सारे देश में फैला है। हम तो सर हर नाके पे बांटते आते हैं पैसे। बस महीना शुरू होता है तो महीने में शुरू में पैसे बांटने शुरू हो जाते हैं। बस दिल्ली में जाएंगे, फिर हरियाणा में जाएंगे, इधर यूपी में, फिर एमपी में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। और ये है मेटल बोर्ड। ये कूपन से भी ज्यादा खास है, क्योंकि हर मेटल बोर्ड पर छपे हैं कई तरह के कोड वर्ड। ये हाईवे पर करोड़ों के धंधे का ऐसा कोड है जो तमाम सरकारी नियम कायदों की धज्जियां उड़ाता है। लेकिन हाईवे पर चलने वाले लूट के इस कारोबार से क्या सरकार वाकई बेखबर है? हाईवे माफिया के इसी कूपन को बेचते हैं हाईवे चेक पोस्ट पर तैनात आरटीओ कर्मचारी। कैसे इस कूपन से नेशनल हाईवेज पर होती है करोड़ों की लूट? आरटीओ चेक पोस्ट पर कब्जा जमाए माफिया कैसे हर रोज ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्टर से लाखों की वसूली करते हैं? ये जानने के लिए हमारी तहकीकात शुरू हुई नेशनल हाईवे नंबर 3 से। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची मध्य प्रदेश के मुरैना चेक पोस्ट। नेशनल हाईवे नंबर 3, आगरा मुंबई हाईवे के नाम से मशहूर ये हाईवे दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तकरीबन 1400 किलोमीटर लंबा हाईवे नंबर 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। हम पहुंचे इसी हाईवे पर पड़ने वाले मध्य प्रदेश के शहर मुरैना। मुरैना के चेक पोस्ट से हर रोज तकरीबन 3000 गाड़ियां गुजरती हैं। मुरैना आरटीओ चेक पोस्ट पर हम ट्रांसपोर्टर बनकर पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात हुई आरटीओ ऑफिस में तैनात कर्मचारी सुरेंद्र वाजपेयी से। सुरेंद्र आरटीओ ऑफिस से कूपन बेचने का धंधा करता है, वही कूपन जिसके जरिए हाईवे पर चलता है लूट का कारोबार। हमने आरटीओ कर्मचारी सुरेंद्र से कहा कि हमारे पास 60 ट्रक हैं। हमारे ट्रक हाईवे पर बेरोक टोक और बगैर चेकिंग के जा सके, इसके लिए हमें कूपन चाहिए। हमारी बात सुनकर आरटीओ ने बगैर किसी पूछताछ के हमें कूपन का रेट बताया। एक कूपन की कीमत थी 700 रुपए, मतलब 60 ट्रकों के 42,000 रुपए।
मुरैना आरटीओ चेक पोस्ट को सिर्फ एक बार पार करना है तो 700 रुपए का कूपन खरीदना ही होगा। हमने आरटीओ कर्मचारी सुरेंद्र से कहा कि वो फिलहाल हमें 53 ट्रकों के लिए कूपन दे। सर अभी 53 है हमारे, तो 6-7 गाड़ियां अभी बन रही हैं, तो उसका उसकी लिस्ट है तो बोल रहे हैं भाई साहब 60 का, तो फिर आप 60 की लिस्ट दे दें हमें जो बन रही है, उसमें लिख दें 7 गाड़ी बन रही है, जिस दिन वो बन के आ जाएंगे तो उनके नंबर आ जाएंगे। अभी फोन से नोट करा भी सकते हैं, फोन से नोट करा देंगे साहब, ये गाड़ी आगे नोट कर लो, ये गाड़ी आगे नोट कर लो, पैसे उस हिसाब से आ जाएंगे। हाईवे पर चल रहे लूट के इस धंधे के अपने कायदे कानून हैं। ट्रांसपोर्टरों से मोटी रकम वसूलने के कई तरीके हैं। हर महीने चेक नाकों पर ट्रकों के नंबरों की लिस्ट के साथ रिश्वत की मोटी रकम जमा कर कूपनों के झंझट से भी बचा जा सकता है। मुरैना चेक पोस्ट पर तैनात आरटीओ कर्मचारी सुरेंद्र ने भी हमसे 53 ट्रकों के लिस्ट की मांग की। साथ ही इस कर्मचारी ने हमें सलाह दी कि कूपन खरीदने से बेहतर है मंथली पेमेंट। आप चाहो तो हमसे कूपन ले लो, 60 कोई फायदा नहीं, 60 कूपन खरीद लो हमसे, लिस्ट वेस्ट कैसे करा दो, आप अपनी गाड़ी में कूपन महंगे पड़ेंगे इनको। कूपन से सस्ता है मंथली पेमेंट, लेकिन रुपया को हर हाल में देना होगा। हर महीने की 5 तारीख तक मुरैना चेक पोस्ट पर सैकड़ों ट्रक वाले महीने की बंधी रकम जमा कर दिया करते हैं। हमने जब इस आरटीओ कर्मचारी से रुपए देने के लिए थोड़े दिनों की मोहलत मांगी तो ये साफ इनकार कर दिया। सर आ जाएंगे उसमें करवा करते नहीं, पैसे 5 अरे पैसे हो सर कभी नहीं, कारण क्या होता है कि अपन ने छूट दे दी, 28 तारीख हो गई, फिर हम यहाँ गाड़ियाँ रोके, फिर आप कहोगे आप तंग कर रहे हो मेरी गाड़ियों, तो भैया वो पहला सिस्टम की 5 तारीख को पैसा आया और उसके बाद आपकी गाड़ी बढ़ती घटती है, उस लिस्ट से 60 से 61 भी गाड़ी बर्दाश्त भी नहीं होगी, जो एक बार में आप बात कर रही हूँ तो एक बार मतलब नहीं तो पता लगा आप और गाड़ियाँ जोड़ लो तो हमारा फिर टारगेट हम कहाँ से पूरा करेंगे। नेशनल हाईवे नंबर 3 के मुरैना चेक पोस्ट से कूपन खरीदने या मंथली पेमेंट के बाद ट्रक वालों को हर गैर कानूनी काम करने की छूट मिल जाती है। ट्रक ओवरलोड हो या बगैर परमिट के, ट्रक पर तस्करी का सामान लदा हो या अवैध हथियार, इससे आरटीओ चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों को कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ रुपए चाहिए। ये ट्रक वालों को सरकारी ध्वंस दिखाकर करोड़ों की अवैध वसूली करते हैं। लेन देन में छूट का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई एक नंबर का काम थोड़ी है, मतलब पैसे तो कैश, कोई एक नंबर का काम थोड़ी है, मतलब पैसे तो कैश, 1000 रुपए कम कर दिया और क्या कम कर, 1000 कम कर दिया और क्या कम कर, मतलब 60 गाड़ी को 60,000 कम कर दिए, इससे और क्या चाहते हो। नेशनल हाईवे नंबर 3 के मुरैना चेक पोस्ट पर आरटीओ का कर्मचारी खुद ट्रक वालों से वसूली करता है, वहीं चेक पोस्ट पर ट्रक वालों से रुपए लेते हैं पुलिस वाले। किसके इशारे पर चलता है हाईवे पर वसूली करता है, कहां जाता है करोड़ों रुपया, हमने तहकीकात जारी रखी और फिर हमारी मुलाकात हुई एक ऐसी हाईवे माफिया से जिसने सैकड़ों मील लंबे हाईवे पर कब्जा जमा रखा है। हाईवे पर ट्रक ऑपरेटर से वसूली करने वाले माफिया बिल्कुल सरकारी तर्ज पर काम करते हैं, कूपन और बोट सिस्टम उनके धंधे का ट्रेडमार्क बन चुका है। ब्रेक के बाद हम ऐसे ही एक बड़े माफिया को करेंगे बेनकाब।